और ये तो मेरे ऊपर से 6 रन स्ट्राइक पे, ये पक्का इस बॉल पे छक्का मारने वाला है पक्का। ये बॉल हवा में है, यहाँ पर कैच और ये कैच तो भैया जल्दी आ जाए वरना फिर हम छोड़ के चले जाएंगे। गाइस एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और पाजी जो है ना चंडीगढ़ से आ गए और आते ही ना इन्होंने 100 रन की एक तगड़ी नहीं खेल दी और आज भी ये वैसे ही मारने वाले हैं। और इधर बैठा है पता है कौन है आपको, ये डॉन है भाई लखनऊ का और शिया कॉलेज का डॉन है ये, बहुत मारता है। ग्राउंड है ना वो इतनी दूर है, पिछली बार मैं अपनी प्लेटनेस आया था तो मेरी जो हालत है ना बहुत खराब हो गई थी, कार से आ रहे तो आराम से जा रहे वरना भाई साहब गर्मी में ना इस टाइम बताने वाली हालत जो है रहती नहीं थी। तो गाइस ये जो आए हैं इधर, क्या नाम है इनका भाई, नाम क्या है, नाम बताओ नाम। जय शुक्ला, इनको भी हमने उठा लिया। अगर यहाँ से 6-7 किलोमीटर हुआ तो इसको हम 500 रुपए देंगे आज। ठीक है, डन है। जरा देख रहा है इसमें दिख रहा है गाइस, यहाँ पे गाइस पहले आप ये देख लीजिए यहाँ से कितना किलोमीटर बैठ रहा है, 12 किलोमीटर आगे आगे भैया, आगे लगाओ वो सामने वो सामने। अब ये चाय पिलाएगा भाई पूरी टीम को, इसने कहा था 5 किलोमीटर, मैंने कहा था 10 किलोमीटर और निकला 12 किलोमीटर भाई। चाय के नाम पे लूटा गया हम लोग को और गरम पिलाया गया है, गरम पानी पिला के 70 रुपए ले लिए चाय से। तुम क्या करोगे आज? आज मैं फील्डिंग अच्छी करूँ भाई। पिछले मैच में इस आदमी ने बॉल डाली थी लेग ब्रेक और 2 आउट किए थे, 2 आउट। गुगली कैसे मार लेते हो यार तुम, राशिद खान के चेले हो गया। कितना बढ़िया माहौल, पूरी टीम। गाइस टॉस जीतकर पहले हम लोग बैटिंग कर रहे हैं और एक और हम लोग का काट लिया गया है, उसका रीजन नहीं पता है क्यों काटा गया है, क्योंकि हम लोग सारे टाइम से पहले पहुंच गए थे और फिर भी एक और काट लिया गया है। तो गाइस आज का जो मैच है ना जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो 3 में से 3 जीतेगा वही टीम क्वालीफाई करेगी। सामने वाली टीम भी 2 मैच जीत चुकी है और हम लोग भी 2 मैच जीत चुके हैं, तो आज का जो मैच है ना बहुत ही अहम मैच होने वाला है। आज के हमारे दोनों ओपनर विश्वजीत और करण, और ये पहली गेंद पर शानदार शॉट और ये 4 रन, आज के मैच का पहला चौका, बॉल नंबर 2। और ये उबे भाई फील्डेड यार, और ये आज के मैच का दूसरा चौका, और ये बॉल हवा में है, यहाँ पर कैच और ये कैच ड्रॉप यहाँ पर। और ये बहुत दूर, आज के मैच का पहला छक्का तो। और ये शानदार शॉट और ये एक और बाउंड्री, अंश पटेल। शॉट है यार, ये पक्का इस बॉल पे छक्का मारने वाला है पक्का भाई। ये मैंने पहले ही कहा था कि छक्का ही मारेगा भाई। भागते रहो भागते हो जाएंगे, भागते रहो भागते रहो। पर स्कोर है 50 रन और 1 विकेट यहाँ पर अभी तक आउट हुआ है, शॉर्ट बॉल बट यहाँ पर पीछे फील्डर है तो 1 रन शॉट है यार। बहुत देर से भाई शांति छाई हुई थी और बॉल जो है ना कम से कम 90 मीटर दूर गई होगी भाई, 90 मीटर दूर। ओए होए, अभी तक कोई बाउंड्री नहीं लगा पाए, शॉट और सीधा कवर्स के हाथ में। बात कर लो वो हसन भैया की एकेडमी में चाहिए था सीआरपीजी में। भाग तेरा छूट जाएगा। टोटका करवा रहा हूँ, ये टोटका करवा रहा भाई आज 5 विकेट लेने का। एलस्पिन चाइना में डालूंगा आज। ये देखिए टोटका, अरे करने वाले ये बाबा जी। शॉट है यार, एक और बाउंड्री यहाँ पर, स्कूप आने वाला है, शॉट है यार। ये दिखा रहा हूँ लोगों को, इतना मारा है हमारे बैट्समैन ने कि धागे खोल दिए बोल के धागे।
12वां ओवर चल रहा है और दो बॉलें हो चुकी है, स्कोर हो चुका है 91 और 3 विकेट आउट हो चुके हैं। और ये तो मेरे ऊपर से 6 रन। बैटिंग करने के लिए आए हैं आयुष पांडे। इस पर 6 रन की उम्मीद लगाई जा रही है और ये 6 रन शॉट है यार पांडे। लो जी पांडे का भी काम हो। सत्रह ओवर हो चुके हैं और स्कोर है 170। 18वां ओवर ये चल रहा है और सामना करेंगे संकेत मौर्या। बेहतरीन शॉट बट यहाँ पर एक ही रन मिलने वाला है। ओए बॉल यार काफ़ी अच्छा ओवर अभी तक यहाँ पर घटा है बॉलिंग टीम के लिए और ये सीधा फील्डर के हाथ में। रन बना पाएगी इस ओवर में टीम। ओ शॉट है यार बड़ा शॉट आया था 6 रन और एक और तीसरा बॉल 6 रन और यहाँ पर अच्छा बॉल 3 बॉल है इस ओवर की। सामना करेंगे आतिफ और ये सीधा फील्डर के हाथ में। गाइस अभी एक इनिंग समाप्त हो चुकी है और हम लोगों ने बनाया 190। 19 ओवर हम लोगों ने खेले क्योंकि एक ओवर हमारा अंपायर ने पता नहीं किस बात पे काट लिया था और जो दूसरी टीम है ना जो दूसरी टीम है ना उसने कुछ टसनबाजी भी की है तो टसनबाजी आपको इधर से भी देखने को मिलेगी है ना जय। बिल्कुल मिलेगी भाई गलत करा है इन लोगों ने कुछ यार होल्डिंग कर रहे थे लोग तो अच्छा लग रहा था बट आज हम भी इनको चैलेंज करेंगे। छः ओवर एक बॉल हो चुकी है और 29 रन और 2 आउट हो चुके हैं। इस ओवर में एक आउट कर लिया है विप्रज ने। All right.
आज का जो मैच था वो स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि बहुत टसन का होने वाला है, क्योंकि दो तीन लोग को आउट करने के बाद थोड़ा सा उन लोगों ने टसन जरूर दिखाई थी, बट मैच उस तरीके का हुआ नहीं जैसे उम्मीद की जा रही थी। ओवरऑल हम लोगों ने मैच जीत लिया। हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।